नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जब्ती की रेत को ठिकाने लगा रहा ठेकेदार, खनिज नियमों कायदों की अगर बात की जाए तो शायद किससे कम पड़ जाएंगे। और दिन से रात और रात से भोर हो जाएगी, कभी नदियों का अस्तित्व बेचना, कभी चट्टानों के पत्थरों की नीलामी, तो कभी खुलेआम चंगेरा, धनगवा, बटुआ, बिछिया, बकही में कोयले का कारोबार। आंकड़े कम पड़ जाएंगे पर खनिज विभाग के कारनामों और लीपापोती के चिट्ठे खत्म। बीते कुछ वर्षों से खनिज विभाग के द्वारा जब्त हुए रेत के अगर नब्ज टटोले गए तो सारी हकीकत पर्दे के सामने दिख जाएगी। जब्ती की गई रेत के राजस्व और सुपुर्दगी में जो खेल होता है वो खनिज नियमों को ठेंगा दिखाने से कम नहीं। विगत कुछ माह से गुहपारू जनपद अंतर्गत मलमाथर पंचायत का मामला किसी न किसी मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहा। अभी फर्जी मस्टर और मनरेगा के कार्यों की फाइल खत्म नहीं हुई थी कि दूसरा मामला सामने आ गया। ज्ञात हो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मलमाथर से खांड रोड निर्माण कार्य का ठेका बुढ़ार के अमित नामक ठेकेदार को मिला है। जाहिर है इस निर्माण कार्य में वो सभी मटेरियल आपूर्ति के कार्य होंगे जो सड़क निर्माण में होता है, किंतु बारिश के दौरान नदियों में रेत उत्खनन के कार्य बंद हो चुके हैं और रेत भंडारण के कार्य अभी शुरू हो रहे हैं। ऐसे में ठेकेदार द्वारा एक माह पूर्व ही रेत भंडारण कर लेने का कोई सवाल जन्म देता है। ग्रामीण ने बताया कि जिस रेत की बुढ़ार के ठेकेदार अमित सड़क बनाने में प्रयोग कर रहे हैं उसमें से 60 घन मीटर रेत विगत महाखनिज निरीक्षक प्रभात द्वारा जब्ती बनाई गई थी। हास्यपद विषय यह है कि अगर रेत जब्त हुई तो फिर उसी रेत से निर्माण कार्य पुनः कैसे शुरू हुआ, जिसके ठेकेदार के पास ना कोई प्रशासकीय स्वीकृति है ना ही संबंधित रेत भंडारण के दस्तावेज व अनुमति है। इस विषय पर जब खनिज निरीक्षक प्रभात से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं रेत की जब्ती बनाया था किंतु ठेकेदार को शासकीय निर्माण कार्य से भंडारण की कुछ घनी मीटर रेत की छूट रहती है। ऐसे में जो माफ किया तो 45-46 घन मीटर ही था, इसलिए मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं मेरे द्वारा रेत का भंडारण किया गया था, ये सही है। खनिज विभाग की टीम भी आई थी किंतु मुझे शासकीय कार्यों के लिए 50 क्यूबिक मीटर तक की रेत की छूट रहती है, अतः मैंने भंडारण किया। संबंधित रेत की जाँच होने पर 40 घन मीटर ही प्राप्त हुआ था, इसलिए कार्रवाई तो बनती नहीं। अब जांच का विषय यह है कि शिकायतकर्ता कुछ और कह रहा है। खनिज निरीक्षक के अपने अलग किस्से हैं, वहीं ठेकेदार अमित का अपना अलग ही प्रलाप है। हकीकत जो भी हो पर अलग अलग वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं गोलमाल।